अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, चौधरी अब्दुल मजीद साहब चेयरमैन फैसल टाउन। आज उनसे बात करने का मौका मिला क्योंकि आज उनका 5:30 बजे एक फंक्शन है। मैंने कहा चलो चलते चलते एक दो बातें हो जाएंगी, बाकी बातें वो फंक्शन में करेंगे, लेकिन एक दो सवाल मैं यहाँ पे उनसे करूँगा। चौधरी साहब अस्सलामुअलैकुम। चौधरी साहब, सबसे पहले आज 5:30 बजे आपका प्री लॉन्चिंग का एक फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में ज़रा बताएं हमारे मेंबर को, हमारे इन्वेस्टर को, हमारे व्यूअर को। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अभी प्री लॉन्चिंग का फंक्शन आज शाम को होना है और कल फॉर्मली हमने ये स्टार्ट करना है। लेकिन माशाल्लाह मैं एडवांस खुशखबरी दे रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो बुक हो गया, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग में एक लिमिटेड नंबर था। आपको पता है हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पिंडी इस्लामाबाद का बेस्ट प्रोजेक्ट है और इसकी जो हमने प्राइस निकाली थी वो कम थी, और हज़ारों कनाल ज़मीन मौके पे कब्जे के साथ और कम्पैक्ट फार्म में हमारे पास मौजूद है। ओके, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है वो किसी का नहीं, जबकि हमारे सराउंडिंग में जो रेट हैं वो ज़्यादा लोग डेवलपमेंट के बगैर बेच रहे हैं। हमने जो प्राइस लॉन्च की है ये डेवलपमेंट के साथ की है और साथ हमने 54 मंथ का टाइम भी दिया। तो अब हम इसको जल्द से जल्द क्लोज करके, तो फिर जो बाज़ाब्ता एक ब्रोशर प्रिंट करके, तो असल जो प्राइस है वो भी इंशाल्लाह ताला दूसरों से कम होगी, जो 7-8 लाख रुपया अगर 25-50 को आप बेंच मार्क बनाएं तो उससे ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला वो 10-15 दिन के अंदर अंदर हम एक ब्रोशर नया बना के तो फिर उसकी एक तकरीब रखेंगे और बाज़ाब्ता जो है लॉन्चिंग है वो उसमें होगी, अभी प्री लॉन्चिंग हम कर रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपने 12 को इसकी बुकिंग रखी थी, लेकिन आपने लोगों के बहुत पुरजोर अपील पे 2 दिन पहले उसकी यानी रेट लिस्ट ओपन कर दी और फॉर्म दे दिए 50-50 रजिस्टर्ड डीलर को। आप को नहीं लगता है कि बुकिंग वाले दिन से पहले ही प्री लॉन्चिंग का कोटा पूरा हो गया, और अगर पूरा हो गया तो आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि आपके पास तो यानी उस तरह का प्री लॉन्चिंग का कोटा तो है नहीं, तो ये लोग फॉर्म 50-50 वापस ला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर? हमने अपने जो इन्वेस्टर हैं या जो मेंबर हैं REC हमारे दोस्त भाई हैं, उनके लिए आसानी पैदा की थी कि उनको 1-2 दिन फॉर्म पहले दे दें, प्राइस लिस्ट दे दें ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो जो बाज़ाब्ता फॉर्म रिसीव करने की डेट है वो कल से है, 12 से है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने बताया जो हमारे पास लॉक है ये जो पेमेंटों के साथ है वो 80% से ज़्यादा बुक हो गया, तो ये अगले 3 या 4 दिन में हम ये बुकिंग बड़ी जल्द क्लोज कर देंगे। पास लॉक है ये जो पेमेंटों के साथ है वो 80% से ज़्यादा बुक हो गया, तो ये अगले 3 या 4 दिन में हम ये बुकिंग बड़ी जल्द क्लोज कर देंगे, और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा नया ब्रोशर बना के तो फिर हम इसकी जो बाज़ाब्ता लॉन्चिंग है वो करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, जो प्री लॉन्चिंग रेट है फॉर एग्जांपल 5 मल्ले का 27,95,000 है और डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर ऐड है, बाकी लोग डेवलपमेंट चार्जेस 11-12 लाख का लेदा लेते हैं, तो आपका जो प्री लॉन्चिंग रेट है वो भी बहुत कम, यानी जो लॉन्चिंग रेट है वो भी बहुत कम है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये आपने वाकई नहीं एक कार्य खैर वाला हिसाब रख के ये सारी चीज़ें डील कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में इसका रेट आप बढ़ाएंगे और भी? नहीं, रेट तो जी बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्री लॉन्चिंग रेट है और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं और किसी किस्म की किसी भी मद में कोई एस्केलेशन नहीं लेंगे। तो लेकिन यह है कि हम इसके बाद जो 10-15 दिन के बाद इसकी प्राइस बढ़ा रहे हैं वो भी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस होगी, और वो 5-6 लाख का इजाफा है, इसके वो इजाफा करने के बावजूद भी हमारा जो रेट है इंशाल्लाह ताला कम रहेगा। मैंने आपको कहा था कि हम मिडिल क्लास को, वो लोग जो एक इस्लामाबाद पिंडी में एक घर का ख्वाब लेते हैं कि हमारा कोई घर होना चाहिए, हमारी कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इससे बड़ी बात क्या है कि आपने एक बुकिंग किए बगैर हज़ारों कनाल ज़मीन ना सिर्फ खरीदी, उसका कब्जा लिया बल्कि उसको कम्पैक्ट किया। ठीक है, और अपना फ्रंट लिया, हर तरफ से हमारे पास अपना फ्रंट है, तो इतनी शाहकार स्कीम और इतना शाहकार प्रोजेक्ट मेरा नहीं ख्याल आप दोबारा कभी इस तरह इतना करीब आए। चौधरी साहब, आप बाकी बातें तो उधर करेंगे, लेकिन आखिरी एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा चौधरी साहब, हमारे और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे फैसल लीला है, फैसल टाउन में आप फैसल मरगला सिटी है, उसके लिए डिटेल विजिट हैं और उसकी चीज़ें शेड्यूल हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि उसको आप किस तरह से अभी डील करेंगे? जी, एक सीधी सी बात है, जो नया प्रोजेक्ट तो हम ला रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक शहर ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट है फैसल टाउन है, आज आपको पता है फैसल टाउन में फंक्शन हो रहा है, लोग देख के खुश होंगे,
फैसल टाउन है, फैसल रेजिडेंशिया है, फैसल सी स्क्वेयर है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल हिल है, उसके ऊपर भी हमारी तवज्जो उतनी रहेगी, बल्कि हम अपनी तवज्जो 10-15 दिन के बाद बढ़ाएंगे। हाँ। और नवंबर में, नवंबर के एंड वीक में मैं सब प्रोजेक्टों का विजिट कर रहा हूँ, और फिर जनवरी के एंड वीक में भी मैं सब प्रोजेक्टों का विजिट कर रहा हूँ। ठीक है। और किसी भी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की अगर कोई कमी बेशी हुई, हाँ, तो हमने अगले 3 से 4 माह में उसको इंशाल्लाह ताला दूर करेंगे। हाँ। और आपकी REC की मीटिंग बुला के उसमें अनाउंस करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, खाली आखिरी ये पूछना है।